देख बहन, तेरे जीजा जी सो रहे, चुपचाप अपने जीजा जी के साथ लेट जा। हाँ पर दीदी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, भरोसा कर मुझ पर। और सुबह तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो 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 चलो, मैंने अपने पति के साथ अपनी बहन को सुला दिया, अब उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं सो रही हूँ या मेरी बहन। अब आज हमारे पास बहुत टाइम है, फुल मजे करेंगे, सुबह तक नहीं उठेगा वो। वॉशरूम में, अच्छी बात है। पूनम, पूनम जल्दी उठ। तेरे जीजू वॉशरूम गए हैं, इससे पहले कि वो बाहर आए तो जल्दी जल्दी जा यहाँ से। दीदी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू पागल है क्या, क्या बोल रही है? तेरे जीजू को सब पता लग जाएगा, जाना यहाँ से। पता लग नहीं जाएगा। सब पता लग चुका है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पीठ के पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तुम्हारी बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया है। मेरा दिल मुझे ये सब करने की इजाजत नहीं दे रहा, चाहे वो मेरी बहन है, पर अगर मैं उसका गलत काम में साथ दूंगी तो मैं भी तो उतनी ही गुनहगार होऊंगी। मुझे जीजू को सब सच बता देना चाहिए, यही सही रहेगा। जीजू, 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 पूनम तुम इस वक्त मेरे कमरे और मेरे बेड पे क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? एक सेकंड जीजू, मैं आपको सब बताती हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। जीजू, दीदी मुझे यहाँ सुला कर गई हैं। दीदी का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जीजू मैं सच बोल रही हूँ, मुझे काफी टाइम से पता थी ये बात। माना कि वो मेरी बहन है पर वो एक साथ काफी सारी जिंदगियां खराब कर रही है, इसलिए आज मैं आपको ये सच बता रही हूँ। जीजू, दीदी इस वक्त भी उस लड़के के साथ कहीं बाहर गई हुई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ सुला दिया और उन्होंने कहा कि वो आपके उठने से पहले आ जाएंगी ताकि आपको पता ना चले और वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। मुझसे सहा नहीं जा रहा था तो मैंने आपको सब सच बता दिया। सॉरी जीजू पर ये सच है। मुझे तो शर्म आ रही है उसको अपनी बीवी कहते हुए कि ये सब हरकतें। आने दो उसे, आज उसे बताता हूं मैं। मुझे तो अपने आप पे घिना रही कि मैंने तुझ जैसी लड़की से शादी की। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में, तुम्हारी हर जरूरतें, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाहर मुंह मारना है ना, तो जाओ आज के बाद उसी के साथ रहो। इस घर में और मेरे दिल में आज के बाद तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है, निकल जाओ मेरे घर से। I'm sorry, please आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने जो ये हरकत की ना उसके लिए कोई माफी नहीं है। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हें मिल जाएंगे, अब निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा लीव।